शुभ मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं एक बार और स्वागत करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए तमाम लोगों को हम सबको प्रभु ने सिंधु के ज़मीन पर रखा और आपके घरों में महसूस समाचार लेके आ सको और शुभ संदेश चैनल के लिए परमेश्वर के लिए तमाम लोग जो इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचने में सहायता कर सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ आज का कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे हे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु हम आपके चरणों में बैठ के फिर से प्रभु यीशु जब हम कुछ तेरे वचन की बातों को हम देख सकें और जो कुछ हमने सीखा है परमेश्वर इन सब को भी सिखा सके प्रभु और सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं एक सत्रह अठारह उन्नीस के अनुसार प्रभु हम सब की मन की आंखें आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु ताकि हम जो आपने छुपा रखा है वो सारी मीराज को वो भेद को हम देख सके समझ सके ग्रहण कर सके अपने जीवन में अमल कर सके और बुद्धिमान बन सके जैवन जीवन बिता सके यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ आमीन आज जो विषय लिया है ये आपको पता है दो दिन के बाद आज वेनेसडे है बुधवार है और एक दिन बस बीच में है कि शुक्रवार को हम यशु का जन्मदिन को मनाते हैं तो इसलिए सब लोग तो वो ऐसे नेटिविटी सीन बोलते हैं ना जो मसीह का जैसे पैदाइश है मरियम के स्वप्न में गैब्रियल सुसमाचार लेके आना इस तरह से ये सारे तो सभी लोग बोलते हैं ना तो मैं प्रार्थना कर रही थी प्रभु मुझे कुछ यूनिक मैसेज कुछ ऐसे संदेश जो अभी तक किसी ने नहीं सुना ऐसे मुझे अच्छा लगता है हमेशा ऐसे मैं ढूंढती रहती हूँ तो मुझे भी सीखना है और आपको भी सिखाना है तो इसलिए मैं ढूंढ रही थी तो एक दिन किसी ने व्हाट्सएप मैसेज में ये वचन लिखा है एकदम से पवित्र आत्मा ने मुझे जगाया दिस इज द क्रिसमस मैसेज फिर मैंने उसको डेवलप किया परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सहायता से कि आप तक वो संदेश को लेकर आयु ये लिया है इर्मिया 52 31 टू 34 वन टू रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन ये शीर्षक है और हम पढ़ेंगे फिर यहूदा के राजा यहो याकिन की बंदुआई से सैतीसवे वर्ष में अर्थात जिस वर्ष बाबुल का राजा यलही मर्दोक राजगद्दी पर विराजमान हुआ उसी के बारहवें महीने के पच्चीसवें दिन को उसने यहूदे के राजा यहोयाकिन को बंदीगृह से निकालकर बड़ा पद दिया और उसे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके साथ बाबेल में बंधुए थे उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया इसका पृष्ठभूमि मैं थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ थर्टी सेवन ईयर्स ऑफ कैप्टिविटी ये जो राजा जिसका नाम यहो याकिन मतलब ये जो नेबुकत नजर बोलते हैं ना जो बाबुल देश का जो बड़ा राजा था और वहाँ पे मुख्य राजा जो बेबीलोनियन किंगडम वो उसमें तीन राजा थे सबसे पहले नेबुकत नसर और उसके बेटा मरडेक और उसका बेटा और फिर उसका बेटा बेलशेजार ये नेबुकत नसर ने 45 इयर्स रूल किया ईविल मरडेक 23 इयर्स रूल किया और उसका बेटा बेलशेजार दो साल राज किया ये तीन बहुत क्रूर राजा थे विकेड किंग्स इतना मतलब दुष्ट राजा थे लेकिन उसका राज्य में भी यहाँ पे जो राजा है उसको बंदी से बाहर निकाला गया है कि एक वचन हम पढ़ेंगे कि ये एशिया 14 का 22 मैं पढ़ रही हूँ उसमें लिखा है सेनाओं का यहोवा यही वाणी है मैं उनके विरुद्ध उठूंगा और बाबुल का नाम और निशान मिटा डालूंगा और बेटे और पोतों का भी काट डालूंगा यहोवा की यही वाणी है मतलब क्या है कि परमेश्वर जो है बाबुल राज्य को पूरी तरह से नष्ट करने का भविष्यवाणी हुआ है कि इसके बावजूद भी हम उस दुष्ट राजाओं में भी कि वो करुणा को देखते हैं देखिए उनका पिताजी ने तो इस राजा जिसका नाम कह रहे यहो वाकिन, उसको बंदीगृह में डाल दिया लेकिन जैसे उसका पिता मर गया और ये बेटा राज्य में आया उसको बंदीगृह से वो बाहर निकाल दिया सिर्फ बाहर ही नहीं निकाला और आगे लिखा है जितने वहां बाबुल के राजा थे उन सब से उनको बहुत बड़ा महत्व दिया और फिर पता है क्या है अगर उत्पत्ति नाउ का दस में लिखा तो अब्राहम को बहुत साल पहले ही ए तीन राजा बाबुल राजा के बारे में वो सिंबॉलिक तरीके से संकेत के रूप में दिखाया कि उसने कहा यहाँ पे जो पक्षी है ना उस समय टर्टिल डोस ऐसे बोलते हैं कि इंग्लिश में वो पक्षी को काटने के लिए और फिर ऐसे रखने के लिए बोला था ये दिखाता है कि बाबुल राज्य को पूरी तरह से परमेश्वर नष्ट करेंगे और परमेश्वर अपना राज्य को स्थापित करेंगे यहाँ पे देखते हैं ना कि बारवा महीने अभी क्रिसमस हमारा बड़ा दिन कौन सी महीने आता है बारवा महीने पूरा साल खत्म हो गया अभी आखिरी महीने और यहाँ पे बारवा महीना और फिर पच्चीसवे दिन क्रिसमस कब आता है बारवा महीने और पच्चीसवा दिन फिर ये जो राजा जो बंदी गृह में थे उसको बाहर निकाला गया हालेलुया और हम आज विश्वास करते हैं जो भी किसी प्रकार की आपका बंधन हो और कितने सालों का भी हो मुझे नहीं मालूम लेकिन आज मैं ये ये बड़ा दिन का यही सुसमाचार बताना चाहती हूँ वो परमेश्वर उस बंदिश को उस बंधन को तोड़ने वाला है हालेलुया और फिर छुटकारा देने वाला है ये जिस तरह से ये यहो याकिन राजा को थर्टी सेवेंथ ईयर हिज कैप्टिविटी वॉज ब्रोकन हालेलुया उनकी बंदिश टूट गया और फिर वो बंदी ग्रह से बाहर आ गया भजन संहिता तीन का तीन में क्या लिखा है हे hey, यहोवा तू तो चारों और मेरी ढाल है और तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला है जब इसको बाहर आ गया कि उसका मस्तिष्क ऊंचा हो गया यानि कि कई बार हम जब हारा हुआ जिंदगी बिताते हैं तो हमारी मस्ती ऐसे हो जाता है हम सिर को भी ऊंचा नहीं कर पाते आंखें आंख आंक किसी को देख नहीं पाते हैं ऐसे परिस्थिति होता है लेकिन आज मैं परमेश्वर को को वचन आपको बोलना चाहती हूं कि वो आपका सिर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है आपका मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है इसका मतलब आपको परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है यहाँ पे ये राजा को जो यह याकीन राजा को बाहर कर दिया और फिर उसने सिर्फ बाहर नहीं किया उनको बहुत मतलब उस बाबुल में जितने राजा है उन सब से भी अधिक महत्व दिया एक वचन में पढ़ना चाहती हूँ पहला सामियल दो और आठ में लिखा है कि वो कंगालों को धूल में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है ताकि उनको अधिपतियों के संग के संग और महिमायुक्त अधिकारी बनाए क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं और उनके उन पर जगत को धरा है हालेलुया यानी कि मतलब धूल में आज आप सोच रहे हो कि मैं धूल के समान हूं लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को भी खड़ा करके कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है कुछ भी कर सकता है हाल यही वचन है इसी तरह से शाम वन वन थ्री वर्स सेवन साथ में भी यही वचन दोबारा दोहराया गया तो दो दो बार लिखा है इसका मतलब परमेश्वर कितना आपसे प्रेम करता है आप परिस्थिति को मत देखिए आपके समस्याओं को लिस्ट मत बनाइए परमेश्वर की ओर देखिए एक बार एक मेपी बोशत करके इसका भी मैंने बहुत साल प, समय पहले एपिसोड बनाया जब दाऊद राजा बन गया कि वो वो पूछ रहे ये आ, हम पढ़ते हैं इसको दूसरा साम्यल नाव का तीन से आठ वो पूछ रहे मैं किसी को करुणा दिखा सकता हूँ क्या ऐसे राजा ने पूछा क्या सौल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसमें परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा हाँ, योनातन का बेटा तो है जो लंगड़ा है राजा ने उसे पूछा वो कहाँ है सीबा ने उसे कहा वो तो लोबोदार नगर में अमिनील पुत्र मकीर के घर में रहता है देखिए यहाँ पे दाऊद एक टाइप ऑफ क्राइस्ट मतलब दाऊद जो है यीशु मसीह का सादृश है और वो चाहता है कि सॉल का घराना और उसकी बेटा योनातन जोनातन योनातन की घराना से कोई भी बचा है जिसको मैं करुणा दया दिखा सकूं उससे कौन पूछेगा अभी तो कोई है नहीं सब कि सब मर गया तो कौन पूछेगा लेकिन वो परमेश्वर का भय जो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होता है ना कोई देखे ना देखे हम वचन के अनुसार जी जीना यही मसीह ज़िंदगी है यहाँ पे दाऊद राजा पूछ रहे कोई है सबसे पहले जब वो गद्दी में बहुत बड़ा साम्राज्य को एक चक्रवर्ती बन गया तो उसको क्या ज़रूरत थी पुराने बातें सब याद करके किसी के ऊपर दया करने के लिए और जब ढूँढ के देखा तो एक व्यक्ति था जिसका नाम मेपी बोशेट और फिर वो कैसे था लंगड़ा था और फिर उसने इतना डर गया और वो कहाँ था एक लोडे बार करके हिब्रू में एक जगह में था हिब्रू में इसका मतलब है कोई वहां पे हरी हरी जगह नहीं है अभी कभी कभी आप यात्रा करते हैं ना तो वहां कई कई जगह देखते बिल्कुल सूखा है कोई ग्रीनरी है ही नहीं है वहाँ पे खाने का लिए भी बहुत मुश्किल से मिलता होगा ऐसे जगह में जहाँ पे आइसोलेशन डेसोलेशन आ, मतलब क्या है कोई आशा नहीं है कोई भी आ, संपन्नता का कोई आशा नहीं है गरीबी गरीबी चारों तरफ ऐसे जगह में ये रह रहा था कौन रह रहा था मैं पे इसको बुलाया गया जब बुलाया गया तो फिर वो डर गया बापरे इतना बड़ा राजा मुझे क्यों बुला रहे फिर उसने सिंहासन के सामने पेश किया गया और मैं नाव का साथ पढ़ रही हूँ दाऊद ने उसे कहा मत डर तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरा दादा सौल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर हालेलुया और फिर उसने दंडवत करके कहा तेरा दास क्या है तेरा दास क्या है कि आगे अगर पढ़ेंगे तो वो अपने आप को कह रहे कि मैं एक डॉग जैसे कुत्ता है ना कोई पूछता नहीं है ना कोने में बैठे रहता है ना मैं ऐसा हूँ ऐसे व्यक्ति को आप इतना दया दिखा रहे और फिर ऊपर से मैं लंगड़ा भी हूँ और फिर पूरा राजा का मेज के पर बैठ के शो खराब हो जाएगा कई लोग क्या सोचते हैं ऐसे लोग आके बैठेंगे हमारी शो खराब हो जाएगा घर का मेरा टेबल का शो कराब हो जाएगा बड़े-बड़े लोग यहाँ आ जाएंगे राजा के मेज मतलब ऑल डिग्नेटरीज़ वहाँ पे कौन लेकिन नहीं दाऊद ने कहा तू नित्य मेरे मेज पर बैठ के जब तक तू जिंदा है तू यही सब कुछ मेरे साथ में मेरे जैसे तुम रहोगे हालेलुया और फिर उसके बाद उनका जितना साउल का योनातन जितना भूमि था खेती बाड़ी था सब कुछ उसने उसको लौटा दिया ये हमारा परमेश्वर दाऊद एक टाइप ऑफ क्राइस्ट है यीशु मसीह आपको यही कहना चाहते हैं कि आपने जो कुछ खोया आप निराश नहीं होना दुख नहीं मनाना कि परमेश्वर सच में सच्चा परमेश्वर है धार्मिकता का परमेश्वर है न्याय का परमेश्वर है आप जो कुछ खोया वो आज इस बड़ा दिन में विश्वास करिएगा जरूर यहो याकिन की तरह आप भी उस बंधन से छुटकारा पाएंगे सिर्फ छुटकारा ही नहीं पाएंगे मे पी बोशक्ति तरह छुटकारा सिर्फ नहीं पाएंगे और आपका सिर को परमेश्वर ऊंचा करेंगे और आपकी जो मिरास जो इतने समय से हिडन था, छुपा हुआ था वो सब कुछ आपके पास आने वाला है हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आ, फिर उसके बाद दाऊद ने सब कुछ जो मैं पिबोशक था आपको पता है मैंने यूसुफ का भी दो एपिसोड बनाया यूसुफ कैसे रात की रात प्रिजेंट टू पैलेस कैसे एक वचन हम पढ़ेंगे यूसुफ ने कितना वो को परमेश्वर ने अगर पढ़ेंगे उत्पत्ति का फोर्टी थ्री और फोर्टी फोर इसमें लिखा है कि राजा ने उसका वस्त्र को बदल दिया सिर्फ उसका जो प्रिजेंट गार्मेंट्स है उसको बदल के उसका पैलेस का गारमेंट्स में बदल दिया और फिर उसके हाथों में रिंग पहनाया अंगूठी यह क्या दिखाता है अधिकार को दिखाता है राजा जो नेक्स्ट टू किंग बन गया ना तो उसका जो अधिकार है वो उसको दिखाता है अधिकार दिया और फिर उसका वस्त्र पहनाया उसका अंगूठी अब उड़ाव पुत्र भी जब वापस आया था उसका पिताजी ने क्या किया उसका वस्त्र पहनाया अंगूठी पहनाया और फिर उनका सैंडल्स भी दिया इस तरह से फिर यूसुफ का भी उसको ऐसे रथ वो दिया गया है इस तरह से परमेश्वर आपका परिस्थिति को बदलने वाला है साम 23 थ्री सिक्स भजन सहिता तेईस और 6 में लिखा है निश्चय करुणा और भलाई मेरे पीछे पीछे सदा आएंगे लुया परमेश्वर की करुणा परमेश्वर की दया आपके पीछे पीछे आते रहेंगे और आपके परमेश्वर के धाम में हमेशा बने रहेंगे और सही जगह राइट टाइमिंग राइट पोजिशनिंग राइट पीपल हाँ सही जगह में सही समय में और सही तरह से परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे आपका बंधन से छुटकारा देंगे इस तरह से हम देखा है किस तरह से ये जो राजा यहो यकीन को छुटकारा मिला है और फिर आगे हम पढ़ते हैं उसके बंदी गृह के वस्त्र बदल दिया और वो जीवन भर नित्य राजा के समुख भोजन करता रहा और प्रतिदिन के खर्च के लिए बाबल के राजा के यहाँ से उसको नित्य कुछ मिलने का प्रबंध हुआ ये प्रबंध उसकी मृत्यु के दिन तक उसके जीवन भर लगातार बना रहा हालेलुया ये हमारा परमेश्वर है ये वचन को मैं इसलिए पैसेज लिया है कि ये वचन को अपना लीजिए ये वचन को अपना प्रार्थना बनाइए और कैसे परमेश्वर ने कहा बंदीग्रह से और फिर वो कौन उसको छुड़ाया दुष्ट राजा जो हिस्ट्री में बहुत रूयेल किंग्स विकेड किंग्स उनके द्वारा इतना रहम उनको दिखाया गया इतना सम्मान दिखाया गया कैसे हुआ क्योंकि राजाओं का दिलों को भी नालियों की तरह मोड़ने वाला परमेश्वर पत्थर का दिल को भी मांस का दिलने वाला परमेश्वर और सबका दिल सब कुछ कंट्रोल हमारा परमेश्वर के पास है रिमोट कंट्रोल जैसे आप टीवी चैनल्स बदलते है ना वैसे परमेश्वर के हाथ में वो सब का दिल का जो रिमोट कंट्रोल है परमेश्वर के हाथ में है इसलिए चाहे कोई भी कुछ भी बुरा व्यवहार कर रहे ना हम उनको नहीं देखना है प्रभु इसका दिल का रिमोट कंट्रोल आपके पास में है आप इनको ठीक करो ऐसे परमेश्वर की ओर देखेंगे उसको ताकेंगे ऐसे से वचन को लेकर आप क्लेम करेंगे निश्चय आप परमेश्वर की करुणा और भलाई को देखेंगे जैसे यहो यकीन राजा ने देखा और वो दुष्ट राजा था या, याद रखिए वो दुष्ट राजा था और उसी दुष्ट राजा के द्वारा इतना बड़ा करुणा बहुत बड़ी चमत्कार नहीं है मुझे तो बहुत बड़ी चमत्कार लगा तो आज भी परमेश्वर किसी को भी कैसे परिस्थिति को भी इस्तेमाल करके आपको छुटकारा दे सकता है और आपको करुणा दिखा सकता है जैसे इसने लिखा है ना आखिरी तक मृत्यु के दिन तक उसके जीवन पर लगातार उनके परमेश्वर के आशीष उनके पास पहुंच गया आपके पास भी मृत्यु तक परमेश्वर के आशीष पहुंचेंगे क्योंकि आपकी फोकस आपकी दृष्टि आपकी नजर किस तरफ है वो आप देख लीजिए अगर गलत जगह में आपका नजर है या दृष्टि है या गलत लोग को या गलत जगह में आप अपनी नजर को रखा है तो आपकी फोकस चेंज कीजिए निश्चय आपको जो इस राजा के साथ हुआ आपके साथ में भी हुआ जो मेपी बोशत के साथ हुआ आपके साथ भी हुआ चाहे कितना दुष्ट लोग भी आपको अनुग्रह दिखाएंगे हालेलुया ये क्योंकि वो परमेश्वर है जो आशीषों का स्रोता है चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे हे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु ये बड़ा दिन आ रहे प्रभु यीशु मसीह इस समय में हम विश्वास करते हैं प्रभु जितने भी दुख सहा कितने भी समस्याओं के अंदर जूझ रहे प्रभु आज आप समाधान की करता है प्रभु शांति का राजकुमार है प्रभु आप उस दुख को शांति में बदलने वाला उस बंधन को चुटकारे में बदलने वाला उस गरीबी झुका हुआ सिर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है आंसुओं को पहुंचने वाला परमेश्वर है दोहाई को सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु आपका साम नाइन्टी में लिखा है जिसने मैंने तेरे आंख लगाया जिसने मैंने तेरी कान को लगाया क्या मैं तेरी आंसू नहीं पोछूँगा क्या मैं तेरी दुहाई नहीं सुनूँगा निश्चय अब जीवित परमेश्वर है सच्चा परमेश्वर है आकाश और पृथ्वी टल सकता है तेरे वचन नहीं टलता है प्रभु आप झूठ नहीं बोलते गिनती तेईस और उन्नीस में लिखा है प्रभु आप झूठ नहीं बोलते आप मनुष्य नहीं कि अपना पीठ दिखाएं या बदल जाए प्रभु आप हमेशा आज कल अब काल तक एक सा परमेश्वर है प्रभु और हर एक बंधन जो प्रभु हर एक कर्जा हर एक मुसीबत हर एक बीमारी हर एक गरीबी हर हर एक परिस्थिति से आप छुटकारा देने वाला परमेश्वर है ये क्रिसमस ये बड़ा दिन सचमुच का क्रिसमस होगा प्रभु एक ग्रेट डे एक ग्रेट डे ऑफ सेलिब्रेशन एक मॉर्निंग डे ऑफ मॉर्निंग जो है वो सेलिब्रेशन में बदल जाएगा प्रभु आप हर परिस्थिति को पलटने वाला परमेश्वर है आप सब कुछ टर्न अराउंड कर सकता है प्रभु आपसे हम विनती करते प्रार्थना करते और विश्वास करते तो निश्चय हमारी सिर को ऊंचा करने जा रहे हमारे सब बंधन छुटकारे में बदलने जा रहे प्रभु और हम बड़े अच्छे आशीषों को देखेंगे प्रभु आपकी आत्मिक आशीषों को देखेंगे और संसारिक आशीषों के भी देखेंगे और हम हर उपद्रव से सुरक्षित रहेंगे तेरी लहू का बाड़ा के नीचे हम रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे प्रभु निश्चय प्रभु हम तेरी महिमा करेंगे तेरी गवाह बनेंगे सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं हम गटे आप बड़े आमीन